जैसा कि कुछ ही दिनों में त्यौहार आने वाले हैं जैसे महाशिवरात्रि आ रही है होली आने वाली है और बढ़ने वाली है भयंकर गर्मी तो अगर आप भी कुछ ठंडाई की रेसिपी ढूंढ रहे हो तो ये रेसिपी आपके बहुत ही काम में आने वाली है केवल एक मिनट में ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी और घर पर आए हुए गेस्ट को आप गिलास भर भर के पिलाओगे और सभी की तारीफ़ें पाओगे तो बस बिना गैस जलाए इस शरबत को एक बार बनाकर रख लीजिए और कई दिनों तक आप इसका मजा ले सकते हो तो मैं वर्षा रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार सी रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे सौंफ तो सौंफ मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो बड़ा चम्मच भरकर यानी टू टेबल स्पून सौंफ हमें यहाँ पर लेनी है और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे लगभग वन फोर्थ कप पानी तो ये जो पानी है थोड़ा सा गुनगुना है इससे जो हमारी सौंफ है ना फटाफट से भीग के तैयार हो जाएगी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे एक दो घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए लेकिन मैं इसे केवल 10 से 15 मिनट के लिए ही छोड़ूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुनकुने पानी का यूज़ किया है चले इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर इसे साइड में रख देंगे दस से पंद्रह मिनट के लिए ताकि सोफ़ हमारी बढ़िया से भीग जाए तो चलिए जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं तो एक मिक्सी जार लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे पौन कप चीनी आप देख सकते हो ना एक कप से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर चीनी ली है और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे चार इलायची तो इलायची डालने से इस शरबत का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से आता है लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हो तो हटा भी सकते हो और अगर इलायची का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इलायची यहाँ पर और भी बढ़ा सकते हो तो चलिए जार का ढक्कन लगा देते हैं और चीनी को यहाँ पर बढ़िया से पीस लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पर पीसी हुई चीनी हो पहले से ही तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो यानी आप यहाँ पर शुगर पाउडर भी ले सकते हो तो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसका मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लिया है तो अब इस शरबत का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पान के पत्ते तो बहुत ही फ्लेवरफुल यहाँ पर ये यह ठंडाई बनने वाली है और ये जो पान के पत्ते हैं बिल्कुल फ्रेश हमें लेना है पान के पत्ते आपको पान वाले की दुकान पर ईजीली मिल जाएंगे आप वहाँ से इन्हें परचेस कर सकते हो तो सबसे पहले हम पान के पत्तों को यहाँ पर बढ़िया से वॉश कर लेंगे तो इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर ये सारे पान के पत्ते डाल देंगे तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पान के पत्ते स्टोर करना चाहते हो तो आप इसे गीले कपड़े में स्टोर कर कर रखिए जैसे कि आप सुबह ही पान के पत्ते ले आए हो और ये ड्रिंक आपको शाम को बनाकर तैयार करनी हो तो अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो भी आप इसे गीले कपड़े में लपेट के रखिए इससे पान के पत्ते फ्रेश ही बने रहेंगे चलिए यहाँ पर इन्हें एक बार बढ़िया से धो लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी होगी ना अच्छे से साफ हो जाएगी चलिए अब क्या करेंगे इन पत्तों को हम कट कर लेंगे लेकिन काटने से पहले जो पान के पत्तों के पीछे डंठल होती है ना इसे अलग कर देंगे ये देखिए क्योंकि इनका यूज़ हमें इस शरबत में नहीं करना है तो अब इन पत्तों को हम कट कर लेंगे तो कैसे भी कट कर लीजिए आप चाहे तो बड़ा छोटा काट लीजिए या फिर रफली चॉप कर लीजिए क्योंकि इन पत्तों को तो हमें यहाँ पर पीसना होगा तो एकदम सिंपल ड्रिंक है और बहुत ही आसान सी और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो बहुत ही तरोताज़ा महसूस करोगे जब आप इसे पियोगे तो तो यहाँ पर देखिए इन पत्तों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है चलिए अब हम क्या करते हैं इन पत्तों को डाल देते हैं मिक्सी जार में क्योंकि तो इन्हें हमें यहाँ पर पीसना होगा और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे ग्लूकन तो ग्लूकन में यहाँ पर ले रही हूँ एक तिहाई कप तो ग्लूकन डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो अगर आपके पास गुलूकन नहीं है तो आप फिर यहाँ पर रोज पेटल और उसी के साथ यहाँ पर खजूर का यूज़ कर सकते हो लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ग्लूकन का ही यूज़ कीजिए जब आप पान लेने जाओगे ना तो वहीं पान की दुकान पे ही आपको ग्लूकन भी मिल जाएगा तो चलिए अब जो हमने सौफ को भिगो कर रखा हुआ था ना ये भी इसमें डाल देंगे तो इसके पानी सहित इसमें डाल देंगे क्योंकि पानी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर है ये देखिए और जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और ढक्कन बंद करने के बाद इसे महीन पीस लेंगे तो अगर आपको थोड़ा बहुत पानी की जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ पर और डाल सकते हो लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें अगर आप बहुत ज़्यादा डालोगे ना तो सभी चीज़ें अच्छे से नहीं पीस पाएगी तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल चटनी जैसे इसकी बन गई है लग रही है ना एकदम हरी हरी चाट वाली चटनी लेकिन इससे तो बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक हमारी बनकर तैयार होने वाली है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक गीला कपड़ा ले लेते हैं तो मैंने एक रुमाल का यूज़ किया है इसे थोड़ा सा गीला कर लिया है तो ये देखिए पान की फ्लेवरफुल चटनी क्या बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें पान की गुलूकन की सौंफ की तो इसे बढ़िया से साफ कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी हम जार के अंदर भी डाल देंगे और इसे भी बढ़िया से धो लेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए और हमें इसे छानने में आसानी हो तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें फ्रेंड्स इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर आप इसे नहीं छानोगे ना तो इसमें जो सोफ वगैरह या पान के जो छोटे छोटे धागे होते हैं ना वो पीने में आएंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा सारी ड्रिंक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसके पहले भी मैं आपके साथ कई तरह की शरबत की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जैसे रूह अफ्ज़ा हो गया काला खट्टा है खसखस का शरबत है या ऑरेंज फ्लेवर वाला है अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन से शरबत की रेसिपी देखना चाहते हो तो मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे क्योंकि जो पान और ग्लूकन का फ्लेवर होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है तो इसे इसलिए हम एक बार पानी डालकर और छान लेंगे ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है इसमें बढ़िया से आ जाए तो यहाँ पर देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है तो अभी आपको ये पानी पताशे का पानी लग रहा होगा लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक बनने वाली है चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये पीसी हुई चीनी तो बस चीनी डालकर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी लम्स हो वो ख़त्म हो जाएं तो अगर आपके पास पी पीसी हुई चीनी हो तो ये काम आपका और भी आसान हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे मिक्स तो कर लिया है लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत लम्स और दिख रहे हैं ये देखिए तो हम क्या करेंगे एक विस्कर ले लेंगे और विस्कर की सहायता से इसे इस तरह से विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई छोटे लम्स होंगे ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वैसे तो ये शरबत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन जब हम इसे दूध में डालेंगे ना तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा तो इसके कलर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर बिल्कुल आपके ऊपर है अगर नहीं डालना चाहें तो आप इसे हटा भी सकते हो लेकिन डालेंगे तो इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा तो लगभग मैंने यहाँ पर दो पिंच के आसपास ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है अगर जेल कलर हो तो जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर अब इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो इसका कलर है बिल्कुल परफेक्ट है बस यही कलर हमें यहाँ पर चाहिए तो चलिए अब इसे स्टोर इस कैसे करना है ये भी देख लेते हैं तो बस इस तरह से कांच की कोई भी बोतल ले लीजिए तो कांच की बोतल में अगर आप इसे स्टोर इस कर कर रखोगे ना तो काफ़ी दिन तक चलेगा तो बस इसकी बोतल का ढक्कन लगाकर फ्रिज में आप इसे आठ से दस दिन तक स्टोर कर कर रख भी सकते हो चलिए फटाफट से अब हम ये ठंडाई भी बना लेते हैं तो मैं इसे दूध में बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चार गिलास दूध लिया है इसके अंदर डाल देते हैं वन फोर्थ कप पान वाला सिरप और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो है ना फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी बस आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और वो भी हमने इसे बिना गैस जलाए बनाया है तो बस फिर जब भी मन करे फटाफट से बनाइए बच्चों को पिलाइए गेस्ट को दीजिए तो अभी होली आ रही है तो होली के लिए भी बहुत ही बढ़िया सी ठंडाई रहेगी है अब इसकी लुकिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं ड्राई रोज पेटल्स यानी सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ और अब हम इसमें डाल देते हैं ढेर सारी आइस क्यूब्स क्योंकि जितना ठंडा रहेगा ना पीने में उतना ही इसे मज़ा आएगा अब एक बार इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो ये लीजिए फ्रेंड्स ठंडा ठंडा पान का शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है तो आज की ये छोटी सी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिए साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ